अगर आपका एनर्जी लेवल डाउन है या होने वाला है एंड यू नो इट, तो प्री प्रिपरेशन ज़रूर कीजिए, रात को तैयार ज़रूर होइए और प्लान भी हमेशा अपने पास रखिए कि व्हाट इफ़ अगर आपका एनर्जी लेवल डाउन हो तो आप अपने ज़रूरी काम कैसे निपटाएंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। कहिए कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, ये मंडे मॉर्निंग का शूट है जो आप लोग देख रहे हैं। रात को मैंने भिगोए थे छोले, इसकी सब्जी बनाऊंगी, और इसमें भिगो रखे थे स्प्राउट्स, लेकिन अभी इसमें टाइम है, बस मैं चेक कर रही हूँ कि ठीक हुए या नहीं हुए। अभी ये एक रात का टाइम और लेंगे, उसके बाद ये कल खाने लायक हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में स्पेशल ये है कि मेरी एनर्जी आज बहुत ही डाउन है। इसके दो कारण हैं, एक तो दो दिन से बच्चे जो हैं वीकेंड से गए हुए हैं अम्मा के पास और उनके बिना मन नहीं लगता, और दूसरा मुझे हो रहा है हेडेक कल रात से, और वो अभी भी ठीक नहीं है। इसकी वजह से बिल्कुल मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन है, मतलब मन नहीं कर रहा चलने का, और शेड्यूल ऐसा है कि आपको भागना पड़ेगा, वो हिसाब हो जाता है कई बार सुबह सुबह। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करती हूँ, अब यहाँ प्री प्रिपरेशन में मैंने जो है छोले थोड़ा सा नमक डाल के जो है इसको उबलने के लिए रख दिए हैं, और अब मैं काट रही हूँ इस छोले की सब्जी के लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक, ताकि इन सबको चॉप कर दिया जाए। और जितना काम हो जाएगा अभी, मसाला चॉप करने का, दूध उबालने का, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। दूध फ्रिज का है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा ताजे दूध की अपेक्षा, तो जितना मैक्सिमम काम अभी खड़े खड़े मैं कर सकती हूँ वो कर दूँगी। बर्तन लगा दूँगी टोकरे में से निकाल के, स्लैब अगर उसके नीचे गीली हुई होगी वो साफ़ कर दूँगी, ये मसाला पिस जाएगा, टाइम बचेगा तो मसाला इसमें हल्दी मिर्च धनिया वगैरह भी अभी डाल दूँगी। और आज फ्रेंड्स, जैसा कि बताया एनर्जी लेवल डाउन है, तो जैसे डाइटिंग में करते हैं ना कि रोज़ आप अच्छा मतलब फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, तो किसी किसी दिन आपका चीटिंग डे हो जाता है, तो इसी तरीके से घर के काम में भी है। अगर आप रेगुलरली काफ़ी अच्छे से अपना शेड्यूल फॉलो कर लेते हैं ना, तो किसी किसी दिन जब आपका बिल्कुल मन नहीं है या आपकी उस दिन इतनी स्ट्रेंथ साथ नहीं दे रही, उस दिन आपका घर के रूटीन में भी चीट डे हो सकता है। तो आज मेरा वही चीट डे है, और रात से ही मुझे पता था कि तबीयत ऐसे ही रहेगी, सुबह डाउन रहूँगी, इसलिए मैंने छोले वगैरह से प्लान कर लिया था, क्योंकि देखने में बड़े लगते हैं लेकिन आसानी से बन भी जाते हैं, और बच्चे जो हैं वो दो दिन बाद जो हैं वो आएंगे तो उनको मतलब कुछ अच्छा मिल जाए खाने के लिए रेगुलर से अलग, छोले चावल वो पसंद से खाते हैं। अब ये जो चॉपर है, इसके ब्लेड्स वगैरह और नाइफ, फ्रेंड्स मैं हमेशा बताती हूँ कि इसको हाथ के हाथ धो के रखिए, आपकी जितनी भी कटिंग वाली चीज़ें हैं उनकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, उनके ब्लेड्स शार्प रहते हैं। तो यहाँ मैंने धो के रख दिया है, और अभी भी दूध जो है वो पक रहा है और छोलों में भी सीटी लग रही है, इतने में वो अपने बेसिक मसाले डाल लूँगी। मेरी कुकिंग को लेके फ्रेंड्स कमेंट आए थे कि आपकी कुकिंग अच्छी नहीं है, हाँ काम में बहुत अच्छी हो, तो जी हाँ ये मेरी फैक्ट है, मेरी कुकिंग अच्छी नहीं है, बस बेसिक कुकिंग मुझे आती है, वही मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर जो है दूध पक चुका है, छोले भी हो चुके हैं। यहाँ पर कल हस्बैंड ने पनीर की स्पेशल सब्जी बनाई थी, उससे हम लोग पराठे खाएंगे, इसमें आटा है और मसाला पिस चुका। तो अब प्री प्रिपरेशन का काम जो है वो ख़त्म हो गया, अब मैं करूँगी सफाई। चीटिंग डे का मतलब ये है कि सफाई रेगुलर से थोड़ी कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि झाड़ू भी नहीं फिरेगी। तो मैं अच्छे से बैठ के झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि झुकने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लग रही थी, तो मुझे इजी लग रहा था कि मैं जो हूँ बैठ के लगा लूँ, यहाँ पे लग सकती है, बाकी लॉन में तो खड़े होके ही लगानी पड़ेगी, उस पर लेट के झाड़ू नहीं काम करेगी। तो फिलहाल मैं बस अच्छे से सफाई से झाड़ू लगा दूँगी। अब जैसा कि बताया, दो दिन से बच्चे नहीं हैं तो गंदा हुआ ही नहीं है, बस हल्की मल्की ये है कि धूल धक्कड़ थोड़ी बहुत है, और लॉन में जो है वो झाड़ू फिरानी ज़रूरी है। कितना भी फ्रेंड्स मतलब शॉर्टकट मैं ले लूँ सफाई में, लेकिन एंट्रेंस को क्लियर करना मेरी प्रायोरिटी रहता है, क्योंकि कोई भी अगर आपके घर आएगा या एक पॉजिटिविटी जो एनर्जी बनी रहती है, अगर आपका एंट्रेंस ही साफ़ नहीं है, वहीं पर धूल या गंदगी पड़ी हुई है, वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, तो अंदर नहीं अच्छा लगता।
तो कितना भी मैं शॉर्टकट ले लूँ 5-7 मिनट इसमें लगते हैं। लॉन में झाड़ू फिराना, गेट पे डस्टर मारना, ये सब काम मैं ज़रूर करती हूँ। और सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी अगर नीट एंड क्लीन लुक अपने घर का चाहते हैं तो एंट्रेंस को ज़रूर सबसे पहले या साथ में उसको क्लीन ज़रूर कीजिए। अब फाइनली बस यहाँ पर वो एसी की बाल्टी वाला जो है पानी मैंने यहाँ पर पलट दिया है, बाकी आज पोछा नहीं लगेगा क्योंकि घर मैं आपको दिखाती हूँ ऑलमोस्ट बिल्कुल साफ़ सुथरा ही है। बच्चे नहीं थे तो कहीं कुछ गिरा नहीं है, कुछ भी गंदा नहीं लग रहा। तो यहाँ पर ये लॉन क्लीन हो गया अच्छे से जैसा रोज़ होता है, प्लस अंदर सिर्फ झाड़ू लगी है और घर बिल्कुल मेंटेन्ड लग रहा है। यहाँ पर हमारी सफाई का काम ख़त्म। डस्टिंग और चीज़ों को जगह पर रखना मैं शाम को ही करके सोती हूँ, सुबह बहुत सुख रहता है। और पोछा शाम को लगाऊंगी, अगर ज़रूरत ना पड़ी तो छोड़ भी दूंगी इट्स ओके, पर बच्चे आ जाएंगे मे भी गंदा हो जाए। अब मैं जा रही हूँ नहाने, और अब मैं नहा के जब आई हूँ तो ये हस्बैंड का कंबल पड़ा हुआ है, मैंने अपना सुबह जब उठी थी तभी तय कर दिया था। नाउ इट्स टाइम फॉर 5 मिनट स्किन केयर जो मैं करती हूँ, थोड़ी सी अंडर आई क्रीम और थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लेके 5 मिनट की एक मसाज चेहरे पे देंगे और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी किचन में। ये 5 मिनट ही होते हैं सुबह की भागा दौड़ी में, जब चाहें ना चाहें आप आंखें बंद करके आराम से अपना जो है वो चेहरे पे मसाज कर रहे हैं, तो भले 5 मिनट हैं लेकिन ये बड़े सुकून वाले रहते हैं। और सारा दिन आपकी स्किन को जो ट्रीटमेंट मिला है वो यही 5 मिनट है, तो इसमें कोताही करने का कोई मतलब नहीं। अच्छे से एक मसाज दे दी और 5 मिनट ही चाहिए होते हैं, इतनी काफ़ी हो जाती है। उसके बाद जो है आप फाइनली किचन में जाएंगे और बाकी का मेकअप मैं स्कूल जस्ट जाने से पहले करूँगी। सबसे पहले यहाँ छोले देखे मैंने खोल के, इतने प्रेशर वगैरह इसका निकल गया है, ये अच्छे से गल गए हैं और पकने के लिए तैयार हैं, तो इनको मैं पलट लूँगी एक दूसरे बर्तन में और यही वाले कुकर को जो है पानी से खंगाल के फिर इसमें छोले छौंकेंगे। और ये जो हैं फ्रेंड्स अभी बर्तन जितने भी होंगे ये मैं आके दोपहर में ही धोऊंगी, तो मैं सुबह बर्तन वगैरह नहीं करती हूँ। अभी जो कुकर धोया था उसमें पानी है तो वो गैस के ऊपर रखा है, इतने वो पानी जलेगा इतने मैं यहाँ पर चाय की तैयारी कर रही हूँ, ताकि पराठे सादे ही सेकने हैं क्योंकि हमारी सब्जी है पनीर की पहले से, तो छोले की सब्जी का हमें इंतज़ार तो देखना नहीं है। तो इतने में जो है पराठे मैं सेकूँगी, सादे पराठे में कोई टाइम नहीं लगेगा, इतने चाय भी अच्छे से पक जाएगी। तो चाय जो है मैं पराठे से पहले चढ़ा रही हूँ। अब इसमें चाय पत्ती और चीनी के साथ जो है अदरक और इलायची, गर्मी में चाय थोड़ी सी ही डालूं लेकिन अदरक के बिना मुझे चाय अच्छी नहीं लगती, तो मेरी अदरक जो है वो अभी भी चाय में चल रही है। इसके बाद बस थोड़ी सी हरी इलायची डालूंगी और चाय की जो गैस है उसको बिल्कुल धीमा कर दूंगी। इधर चाय हमारी चढ़ती रहेगी और उधर जो है कुकर का जो है पानी इतने हमारा जल जाएगा, तो इसके बाद मैं सब्जी को छौंकने में जाऊंगी। अब कुकर में डाल दिया है तेल छौंकने के लिए, एक बड़े तेज पत्ता को मैंने टुकड़े कर लिया है, थोड़ा सा हींग और जीरा इसमें डाल दिया है, ये छौंकने का सामान हो गया। प्लस जो प्याज टमाटर अदरक हरी मिर्च पीस के रखे थे मसाले डाल के, अब ये इसमें डाल दूंगी और अच्छे से चला के इसको एक बार ढक के रखेंगे 1-1.5 मिनट के लिए। इसको चॉपर के बर्तन को थोड़ा सा धो के ये पानी भी इसमें मिला दिया है, अब इसे एक अच्छा सा मिक्स दे के ढक्कन लगा के इसको ऊपर से ऐसे ही 1-2 मिनट के लिए इसको तो भुनने छोड़ेंगे। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ अपने पराठे सेकने की, तो चौकी के नीचे कपड़ा बिछा लिया है ताकि ईजीली क्लीन किया जा सके स्लैब को, और लोई वगैरह तोड़ के आटे की रेडी रख ली है। उधर तवा चढ़ गया है और कुकर को जो है मैंने गैस बदल दी है, चाय पक चुकी है अभी बिल्कुल उतार के रखी है, और इतने जो है हस्बैंड चाय छानेंगे इतने जो है मेरा एक पराठा तवे पे चला जाएगा। अब यहाँ पर मसाले को एक मिक्स और देना था वो दिया है, फिर से ढक्कन रख दिया। अब सेकंड टाइम में जब इसको चलाने का टाइम आएगा फिर उसके बाद इसमें छोले मिक्स होंगे, और इधर मैं बना रही हूँ पराठे। मेरा पैटर्न किचन का फ्रेंड्स यही है, एक साथ 3-4 काम ही चलते हैं, चाहे तबीयत डाउन हो या फिर फुल्ली एनर्जी हो, आदत पड़ गई है, धीरे धीरे ही करूँगी लेकिन 3-4 काम एक साथ चलते हैं तो कम टाइम में बहुत सारा काम निपट जाता है। अब पराठे वगैरह फ्रेंड्स मैं बच्चों के लिए भी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे स्कूल ड्रॉप करके ये लगभग 7:30 या 7:35 तक बच्चों को लेने पहुंच जाएंगे,
तो इतनी सुबह बच्चे उठ ही पाएंगे, नाश्ता वगैरह मम्मी उनको नहीं करा पाएंगी, तो वो नाश्ता यहीं पर करेंगे, लंच यहीं पर करेंगे। इसीलिए खाना जो है वो बच्चों के हिसाब से भी एक एक पराठा उनका नाश्ते का सेक के जाऊंगी। और उधर जो है देखिए, अब छोले मतलब मसाला वहाँ पे भुन रहा है, यहाँ पर पराठा आ गया, और इतने इसमें छोले पहले मिक्स करूँगी, इतने तवे पे जो पराठा है वो एक साइड से हमारा पलटने लायक हो जाएगा। तो अब टाइम भी, क्योंकि स्कूल पहुँचना ये बिल्कुल आप नहीं टालने वाली चीज़ है, स्कूल आपको टाइम पे पहुँचना ही पड़ेगा। अगर तबीयत इतनी ख़राब है तो आप छुट्टी लीजिए, लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो टाइम पे जाइए और पूरी तैयारी से जाइए, ताकि वहाँ जाके जो आपका काम है आप उसको कर सकें। अब मैं यहाँ से खाली ब्रेड लेके चली जाऊँ, या नाश्ता ना करके जाऊँ, या घर का ना बना के जाऊँ, तो मैं वहाँ भी उलझन में रहूँगी कि करूँ नहीं करूँ, आज वहाँ ये काम छूट गया, तो एक डिस्टर्बेंस सा रहता है अगर आप घर पे सब कुछ सही छोड़ के नहीं आए हो। तो अपनी तबीयत को, अपनी एनर्जी को डाउन और अप दोनों ही कंडीशन में करते करते अपने बेसिक जो काम है, जो सर्वाइवल कहना चाहिए हमारा है, उतना काम आप कैसे करें, ये प्रैक्टिस आपको डेली में करते रहना चाहिए, क्योंकि शरीर है हमेशा एक सा नहीं रहता, कई बार डाउन भी हो जाता है। अब ये पराठा जो है वो एक सिक्के चला गया, अब मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपनी चाय ले जाएंगे छान के, और इतने में क्विकली बाकी के बचे हुए पराठे जो हैं वो अपने सेक लूँगी। अब जब फ्रेंड्स आखिरी पराठा, आखिरी रोटी मेरा जब भी तवे पर जाता है, उसे जाते ही यहाँ वो तवे पर गया और ऑटोमेटिकली मेरे हाथ चलने शुरू हो जाते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो जगह पर पहुँचनी स्टार्ट हो जाती हैं। इतनी हैबिट मेरे को इस पैटर्न की हो गई है, अगर आप लोग भी डेली में करेंगे ना तो ये आ जाएगा, सभी की प्रैक्टिस में आ सकता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि मुझे अलग से किचन क्लीनिंग के लिए 5-10 मिनट कुछ नहीं निकालने पड़ते, जितने मैंने मसाले वगैरह यूज़ किए वो सब हाथ के हाथ रखती चली गई, जो भी सामान मैं यूज़ कर रही हूँ हाथ के हाथ उसको उसकी जगह पर हल्का सा पोछ पाछ के रखती चली जा रही हूँ। तो जितनी देर मुझे यहाँ खाना बनाने में लगेगी, लास्ट पराठा वो मेरा किचन का आखिरी टाइम होगा, ना उसके बाद मुझे बर्तन समेटने हैं, ना उसके बाद मुझे स्लैब साफ़ करनी है, कुछ नहीं, सब कुछ हैंड टू हैंड साफ़ होता चला जाता है। और यहाँ मेरा लास्ट पराठा जो है वो सिक गया, सारी चीज़ें जगह पर चली गई, और अब ये घी दानी भी अंदर जाएगी और चिमटा भी। फिलहाल तवा गर्म है इसलिए ये नहीं जाएगा, ये अभी यहीं रहेगा। अब यहाँ मैंने चिमनी बंद की और इस कपड़े को उठाया और बिल्कुल मेरा जो किचन काउंटर है वो हो गया क्लीन। और उधर की साइड मैं जब काम कर रही थी तभी अब कर दिया था, ये मेरा नाश्ता हो गया, पनीर की सब्जी, पराठा और चाय। बाकी मेरा खाना पैक करेंगे मेरे हस्बैंड और ठंडे पानी की बोतल देंगे, ये सब चीज़ें वो पैक करेंगे। इतने में अपना बचा खुचा जो है वो डेली वाला मेकअप कर लेती हूँ फटाफट। जब आपकी एनर्जी डाउन हो ना फ्रेंड्स, तब ज़रूर तैयार होइए, वैसे चाहे होए ना होए। इसी तरीके से एनर्जी डाउन है तो प्लानिंग रात को ज़रूर करके सोइए, पता नहीं सुबह आपसे कितनी स्पीड से काम हो पाएगा या कितनी नहीं। अब ये सूट थोड़ा हैवी है इसलिए मैं बाल वगैरह नहीं खोलूँगी, और एक्सेसरीज़ भी बहुत लाइट रखूँगी ताकि जो स्कूल के लिए है वो लुक बैलेंस रहे, प्लस मेरा बालों को खोल के सुलझा के दोबारा बनाने का टाइम भी बच जाएगा। अब लॉकडाउन वाली स्थिति हो गई है, हस्बैंड जो है वो घर पे रहते हैं दोपहर तक, तो चावल वगैरह वो बना ही लेंगे, बस मुझे तैयार होके निकलना है। प्लस अब ये जो चूड़ी और रिंग्स वगैरह हैं मुझे पहननी है, वो मैं अभी हाथ में ही पकड़े हुए हूँ, चलते चलते इनको पहनती जाऊँगी। और दुपट्टा लेके पर्स में मैं अपना सारा सामान रात को ही सेट करके रखती हूँ, अगर कुछ लेके जाना है तो उसमें मुझे ध्यान देने वाली बात नहीं है, बस चश्मा डाला और फ़ोन, उसके बाद हम रेडी। और अब हम निकल गए हैं स्कूल के लिए, घर से निकलते ही घर यहीं छूट जाता है और दिमाग में अब स्कूल की बातें चलने लगती हैं कि वहाँ जाके क्या क्या काम निपटाने हैं, बच्चों को आज क्या पढ़ाना है एंड ऑल दैट। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटिफुल ऑलवेज़।